Hello everyone, welcome to my channel and जो new है welcome to my channel और अभी आप देख रहे हो I am तैयार श्यार क्योंकि आज I am going to एक दावत में जो पाकिस्तानी दावत है, पाकिस्तानी घर में है, पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पे. So yeah, it's like a lunch, dinner, brunch kind of की दावत. So मैं वहाँ पे जा रही हूँ and today I did very different makeup क्योंकि आज मैंने अपनी आँखों में लगाया है काजल. So पहले मैं बहुत लगाती थी but फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि एक fresh look आता है लगाने से. So and the dress I am wearing is this one. ये shirt जो है is also I bought from Korea and jeans from Pakistan. So yeah, let me show you. प्रॉब्लम इज के मैं आपको गैदरिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि या सेम थिंग वो प्राइवेसी वाली के लाइक सबको पसंद नहीं होता हमारे घर में कोई वीडियो रिकॉर्ड करे या लोग आना नहीं चाहते यूट्यूब पे. सो इट्स ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं. बट मेरा आज घर साफ साफ है एंड बाहर जो है बारिश हो रही है. सो हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग रास्ते में जाएंगे. सो वी विल गो एंड सी के बाहर कैसा है क्या है और उसके बाद इफ़ आई गो टू सम शॉप देन हम वहाँ भी जाएंगे. सो मुझे नहीं पता कि व्लॉगिंग में क्या होगा एंड या स्टे ट्यून विथ माय चैनल. अदर थिंग आई वांट टू टेल यू के चलो मैं बाहर बताऊंगी फिर. तो क्योंकि बाहर बारिश है तो हमारे पास अम्ब्रेला भी है एंड हमारे पास जैकेट भी है. ओके, सो दिस जैकेट इज फ्रॉम साउथ कोरिया एंड अभी आई एम गोइंग टू फिफ्थ फ्लोर क्योंकि मेरे कपड़े पड़े हैं एंड आई हैव टू लाइक सी कि वॉशिंग मशीन जो है वो चल रही है, मतलब खाली है कि नहीं. क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि How do I wash my clothes in Norway? So जी उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है. I have to come to fifth floor or third floor and फिर देखना पड़ता है कि मशीन खाली है कि नहीं है. ओके, सो किसी के कपड़े धुल चुके हैं. ये हमारे पास दो मशीन होता है एंड वैक्यूम क्लीनर. सो ये थर्ड एंड अभी ना what should I do? Is it empty? Okay, ये खाली है. So I can do one thing. ये किसी के कपड़े हैं. So मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, ये कपड़े निकाल के ऊपर डाल दिए ऊपर और मेरे अंदर डाल दिए. So yeah, sometimes you do like this. मैंने कार्ड लिया अपना, इसलिए ऐसे करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एंड पता नहीं होता किसका टाइम कब आने वाला है. सो इसीलिए थोड़ी मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ती है. और जब भी मैं मशीन के लिए आती हूँ कपड़ों के लिए एंड किसी न किसी के कपड़े ऑलरेडी पड़े होते हैं, मतलब चल रही होती है मशीन. सो अभी जो कपड़े थे वो धुल चुके थे ऑफ कोर्स. या एंड इट टेक सो मच टाइम, लाइक एक घंटा, क्योंकि इस पर ऑप्शन ही नहीं है कि आई कैन सेट द टाइमिंग्स और ऐसा कुछ. आई डोंट नो व्हाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ओके वी गो टू फर्स्ट फ्लोर क्योंकि हमें जाना है बाहर. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. या टाइमिंग प्रॉब्लम, एक घंटा धोने में लगता है एंड देन एक घंटा वो ड्राई होता है. सी सो मच टाइम. सो बाहर हो रही है बारिश और बेचारा सामान लेकर जा रहा है कोई. ये दिन बज रहे हैं दिन के 4. सो एक घंटे के बाद यहाँ पे हो जाएगी रात एंड हमें जाकर कुछ सामान लेना है. ओ हवा भी चल रही है क्या. मेरी अम्ब्रेला, नो डोंट फ्लाई प्लीज. या सो ये बाहर का वेदर है, मौसम है, बारिश है एंड नीचे पानी है एंड हवा भी चल रही है. नो 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 दिस इज नॉट हैपनिंग.
सो मैं आपको एक और बात बताऊं, बिकॉज इस संडे वाज सो नाइस। सो संडे को यहाँ पे सब कुछ बंद होता है, एंड मैं जिस दिन नॉर्वे आई थी इट वाज आल्सो संडे, सो सब कुछ बंद था। एंड देन लोगों ने बोला, आई डोंट नो सब बंद होता है नहीं होता है, बस सम पीपल से कि चीज़ें खुली होती है, बट वेल सो सम पीपल सजेस्टेड मी कि लाइक मैं नई नहीं आई थी, सो एक शॉप होती है जिसका नाम है जोकर, एंड सम पीपल कॉल इट अ योकर बिकॉज जे इज लाइक अ वाई या इन नॉर्वेजियन लैंग्वेज। वाओ द ब्यूटीफुल ट्री। आई डोंट नो मेरी कैमरा इतना शेक क्यों कर रही है, हम लोग मतलब वहाँ जाते हैं शो योकर एंड जोकर जो है वहाँ से भी मोबाइल रिकॉर्ड व्हेन इट्स रेनिंग। So yeah, ये मैं European buildings and then I will go to like meet my friends or ये थी मेरा आज का vlog, I hope you enjoyed this vlog and stay connected with my channel and see you in my next vlog. Here comes Yoker and इस पे हम जाएंगे अंदर। As you can see, बारिश का पानी, खिड़कियाँ खुली हैं एंड हवाएं चल रही हैं।